एवरीवन, अभी जाके राया सोई। आज ये हुआ ना कि 11 बजे तक मैं और राया सो रहे थे और पता नहीं क्यों सो रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था अभी तो 8 ही बजे, क्योंकि राया का टाइमिंग है कि वो 7:30 बजे उठ जाती है। तो मैं वही सोच रही थी कि बंदी अभी सोई है, मतलब अभी तक 8 ही बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हूँ। और जैसे ही दरवाजे पे खटखटाहट हुई, मैंने दिमाग में मेरे आया यार शिवेन क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर जाके देखा तो शिवेन गायब, घर में ही नहीं। और फिर मुझे रियलाइज़ हो माय गॉड ही वेंट टू क्लिनिक, और 11 बज चुके हैं। और फिर मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो मौसी कह रही आप लोग सो रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ, मैं तो सो ही रही थी और राया देखो अभी तक सो रही है। तो इट वॉज ग्रेट स्लीप आई हैड। फिर उसके बाद मौसी आई, बेचारी काम वाम करी अपना, चली गई। एंड देन राया वो का, फिर राया को उठाया नहीं मैंने, एक्चुअली वो खुद ही उठ गई। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा फीड वीड कर दिया और यही सब चल रहा है। अब जाके फिर वो बंदी सो गई है। एंड आई एम लाइक, पता है कभी कभी ऐसा लगता है ना, अब जब से वो उलटना पुलटना इधर उधर घसरना ये सब चल रहा है उसका, आई फील लाइक मैं वेट कर रही होती हूँ यार ये कब सोएंगी, ये कब क्योंकि इतना एनर्जी वो मेरा ले लेती है। फिर मैं सोचती हूँ अच्छा, फिर एकदम से मुझे ख्याल आता है यार कि अब आज तो वेबिनार है, वेबिनार में करना क्या है। कल क्या है ना, मैं आपको एक कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। और ऐसा हुआ कि मैंने होपोनोपोनो किया, वेबिनार स्टार्ट किया, और उसके बाद ऐसा हुआ मैं कल उन लोगों का मेडिटेशन लेने वाली थी, वो भी सेल्फ टॉक मेडिटेशन लेने वाली थी, मैंने जो डिज़ाइन करके रखा था उन लोगों के लिए सेल्फ टॉक मेडिटेशन। और जब मैंने मेडिटेशन के लिए सबको रेडी किया, सबको बिठाया, एंड देन उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने ऑन किया तो वो सेल्फ टॉक वाला मेडिटेशन ऑन ही नहीं हुआ। और फिर मुझे लगा शायद हो सकता है मेरे वो जो ग्रीन वाली जो आपा है हमारी, वेलकम टू MNZ म्यूज़िक ब्लूटूथ रेडी टू कनेक्ट, उसकी वॉइस में कभी सुनाऊंगी आपको, तो वो जो आपा थी, तो मुझे लगा यार ये क्यों, ये हो सकता है ये नहीं चल रही हो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम आ रही थी। मैंने क्या किया, उसका प्लस बटन है एक, वो मैंने प्रेस कर दिया। मैं आपको रुको दिखाती हूँ, अभी मैं चलाऊंगी नहीं क्योंकि राया ना सो रही है। तो इसमें ना एक प्लस बटन है, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो मुझे लगा वॉल्यूम का कुछ कमी है, मैंने वॉल्यूम का कमी है इस वजह से मैंने उस बटन को दबाया, तो ऐसा हुआ कि दूसरा ही मेडिटेशन स्टार्ट हो गया, YMI वाला मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब ये जो यूनिवर्स है वही सब कर रहा है मेरे थ्रू। क्योंकि मैंने ना जब स्टार्टिंग में, मुझे याद है जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट की थी, व्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था यूनिवर्स मुझे अपना वेसल बना के सारी बातें मुझसे कह देना, ठीक है, मैं बस आपके धुन में गाऊंगी, लोगों को जो समझ में आया वो उनकी मर्जी, उनका क्या अलाइनमेंट है आपके साथ वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आपके साथ अलाइनमेंट में रहना है। और मैंने ये डिक्लेयर करके ही स्टार्ट किया था ये ब्लॉग। और ऐसा हुआ कि 6-7 दिन में मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ पता नहीं क्या क्या मैजिक हो रहा है। अभी किसी ने कहा कि दी वाईफाई नहीं चल रहा था, प्रियंका ने कहा कि वाईफाई नहीं चल रहा था, और ऐसा हुआ कि वाईफाई चलने लग गया उसका जस्ट हो कोनो कोनो से। फिर कल एक मेरी क्लास में वेबिनार में किसी ने 50 क्लाइंट जो है 50,000 के कुछ 50 क्लाइंट उसने अट्रैक्ट कर लिए जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग माय वेबिनार्स। और वो वही कह रही थी कि दी जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरे लाइफ में सिर्फ मैजिक ही मैजिक हो रहा है। एंड आई एम लाइक येस इट इज़ हैपनिंग एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हो कोनो कोनो। और जो मैं अलाइनमेंट में आ गई हूँ, आज मैं एक किताब पढ़ रही थी, सुपर अट्रैक्टर करके एक किताब है, तो पता नहीं कैसे मेरे जहन में आया कि नहीं मुझे किताब पढ़नी है, ठीक है। और मैंने किताब में फाइल्स में मैं क्या करती हूँ ना, डाउनलोड करके रखती हूँ, और अचानक से मेरा वही चीज़ ओपन हुआ। मैंने देखा ये सुपर अट्रैक्टर क्या है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा था, मैंने कहा चलो पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा था कि बहुत लोग हैं ना मेनिक मैनिफेस्टर होते हैं, मतलब वो सब चीज़ करते हैं, वो मेडिटेशन करते, एफर्मेशन करते, प्रेयर करते, दुनिया भर के चीज़ें करते, लेकिन जो एनर्जी पे काम नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है उनके मैनिफेस्टेशंस होते ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैनिफेस्टेशंस नहीं होते। तो मुझे याद आया कि हाँ कितने लोग हैं जो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, एफर्मेशन भी कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स कर डाल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलाइनमेंट पे नहीं है।
और फिर मुझे रिलेट हुआ कल का ये वेबिनार. मैंने कहा मैंने वो मेडिटेशन चलाना ही नहीं था, मेरे दिमाग में तक नहीं था कि ऐसा कोई मेडिटेशन है मेरे पास, एंड यूनिवर्स ने खुद ही मेरे हाथों से ये काम करवा दिया. सो जब आप अलाइन रहते हो ना इस तरीके के अजीब व गरीब यू नो, जैसे वो नहीं पुरानी फिल्मों में होता था भूत बंगले में कि कुछ हो रहा है, कहीं से हाथ आ रहा है, कुछ काम हो जा रहा है, कहीं आप गिर जा रहे हो, कहीं उठ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें होने लगती है. अभी राया सोइए ना, मुझे इतना सुकून है. और लोग सोचते होंगे कि दी इतना सोफ़ा ओफा सजा वजा के रखती है, ऊपर क्यों नहीं बैठती. मुझे पता नहीं क्यों मुझे सुकून भैया नीचे बैठने में ही आता है. कल हम लोग स्टारबक्स गए थे, स्टारबक्स से मैंने शिवेन के लिए वो टम्बलर ख़रीदा था. वहाँ एक संजीवनी नाम की लड़की थी, वो भी बड़ी अच्छी थी, उसने बड़ी मेरी मदद की. फिर वो टम्बलर ख़रीदा तो मैंने कहा जब उसके लिए मैंने ख़रीदा तो मैं अपने लिए क्यों ना ख़रीदूँ, है ऐसा हो नहीं सकता. तो मैंने ना आपको बताती हूँ मैंने क्या ख़रीदा. राया से बचा के रख रही हूँ क्योंकि आजकल ना राया हर चीज़ को टीतर बना के चल रही है. तो मैंने ये अभी तक खोला तक नहीं, ये देखो स्टारबक्स से. मैंने कहा मेरी किताबें रहती हैं और मेरी किताबों में ना कुछ नहीं होता है, बेचारे पन्नों को मुझे मोड़ मोड़ के रखना होता है. आई शो यू, वेट, है ना, वो पन्नों को मैं मोड़ मोड़ के रखती हूँ ना तो ये ऐसे इस तरीके से लाइन्स आ जाते हैं. अभी जैसे ये देखो इसमें हल्की सी लाइन आ गई है. ये मुझे ना बड़ा दुख होता है. मैंने कहा जो मेरे को नॉलेज दे रहा है उसको मैं अगर संभाल के नहीं रखूँगी, उसके लिए कुछ स्पेशल फील नहीं कराऊँगी उसको, तो वो क्या नॉलेज देगा मुझे. तो मुझे कल ये दिखा बुकमार्क, मैंने कहा ये बुकमार्क मुझे चाहिए. और ग्रीन कलर जो था मैंने कहा ये तो मेरा फ्रेंड है, है ना, ग्रीन कलर इज़ द एनर्जी ऑफ मनी फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी. तो मैंने कहा मेरी मनी एनर्जी है, मेरा दोस्त है, ठीक है, इसी बहाने ये ग्रीन कलर मेरे साथ है, साथ ही साथ मेरा बुकमार्क का भी काम हो गया. और ये क्यूट सा मेरा बनी फ्रेंड है, मुझे टेडी बेयर्स बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ये बनी फ्रेंड मेरा मिल गया मेरे को. मेरी किताब तो अच्छी है ही. अच्छा एक और चीज़ हुई, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस पे नाम पढ़ो. दिखा, अब ये नाम का मुझे मैंने बस ऐसे ही, इसमें एक था लास्ट में है इनके, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ. इनका एक है ना वेबसाइट उन्होंने दी थी और उन्होंने अपना ये बोला था कि अमेज़ॉन पर आप प्लीज़ कुछ अच्छा सा रिव्यू डाल दीजिएगा, ऐसे करके कुछ लिखा था, देखो मिल नहीं रहा है. तो उसमें उनका ईमेल आईडी भी था. मैंने कहा यार वेबसाइट पे जाने से बेटर है, अमेज़ॉन पे डालने से बेटर है, मैं ना एक ग्रैटिट्यूड करके, क्योंकि इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, मेरी लाइफ को थोड़ा इजी और एफर्टलेस बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि इन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से मैं अपने नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में रहकर भी हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मुझे भागने की दौड़ने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को किस तरीके से मुझे प्रेजेंस में रखना. क्योंकि पावर ऑफ नाउ में पढ़ रही थी और पावर ऑफ नाउ का मेरा ऐसा हो गया था कि कभी मैं पढ़ पा रही हूँ कभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, और ये बुक इतनी ईजी है और इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप नाउ वाले मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो. आप अपने पास्ट को भी फॉरगिव कर दोगे, रिलीज कर दोगे अपने फ्यूचर को भी, और प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो, और उस प्रेजेंट मोमेंट में मैजिक होता है. और ये इन्होंने सिखाया, तो मैंने कहा इनको ग्रैटिट्यूड तो भाई बनता ही है. सो व्हाट आई डिड, मैंने उनको मैसेज किया और उनका मुझे रिप्लाई आया. आई एम लाइक इट्स एक्साइटेड. मेरा नाम था हाई शाइन. आई एम लाइक यस, समबडी रिप्लाइड मी. एंड आई फेल लाइक मुझे एकदम से गूज बम्स आए. एंड आई एम लाइक वाह वाह वाह, जोसेफ ने मुझे रिप्लाई किया. एंड आई होप वन डे आई मीट दिस गाय, आई रियली वॉन्ट टू हग हिम बिकॉज ही हैज रियली चेंज्ड माई लाइफ. Did you sleep well? Raya? 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 Did you sleep well? No? Hi, Mama. Good morning. Oh, good morning, Mama. Good morning. तो फाइनली राया उठ गई है और राया और मम्मा का कॉन्वर्सेशन चल रहा है. राया टेल समथिंग टू पीपल, दे वांट लिसन टू यू. राया
कुछ बोलो राया, कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। कांट हैव फॉर मोबाइल फोन बिकॉज डॉक्टर ने भी मना किया है कि नो टीवी नो मोबाइल फोन्स। तो हम लोगों ने अभी तक इसको कार्टून या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखाया है, तो शी डजेंट नो एनी थिंग एक्सेप्ट कभी कभी संडे के दिन हम लोग इसको श्री कृष्ण का थोड़ा 10-5 मिनट के लिए कार्टून दिखाते हैं, जो एक शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज आती है। और बीच में इन्होंने एक मूवी देखी थी, वो है मैडागास्कर, और वो मूवी भी एंड एंड में उन्होंने देखी। और मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ नहीं देखा है विद एनिमेशन या कुछ भी चीज़ से, तो ये बहुत दूर रहती है। और मुझे मैसेज मिला अमेज़ॉन से कि गिफ्ट आने वाला है राया का। सो मैं बस उठ गई खुशी के मारे और देखा तो बच्ची सो गई। तब तक खेल रही थी, जब मैं सो रही थी शिवेन उसको संभाल रहे थे, अब वो खुद ही सो गई। एंड आई जस्ट हैड माई टी और मैं बस नींद में से उठी, ना बाल झाड़ी हूँ ना कुछ झाड़ी हूँ मैंने, बस मैं अपना सो गई थी गीले बालों में। और राया का गिफ्ट आ गया, अब देखते उसका क्या रिएक्शन रहेगा। आई जस्ट excited to see that. उसको पसंद आता भी कि नहीं आता, आई डोंट नो, बिकॉज बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि वो मोबाइल फ़ोन और म्यूज़िक जहाँ बजता है, उसे म्यूज़िक बड़े पसंद है, तो जहाँ म्यूज़िक होता है वहाँ वो पलट के देखती थी। तो आई थॉट कि ऐसे कोई म्यूज़िकल चीज़ मंगानी चाहिए जो उसको पसंद आए। सो लेट्स सी, अगर उसको पसंद आता है तो ग्रेट वर्क, अगर नहीं पसंद आता है तो देन आई हैव टू फाइंड समथिंग न्यू फॉर हर। और ये हंटिंग जारी रहेंगी फिर। So let's see. Raya! Hello Raya! Raya modeling kar rahi hai aaj. Raya, I have a gift for you. It's for you. What is it? Did you like it? Did you like it, Raya? Hi. Koi izzat nahi kar raha hai. Okay, okay. I'm opening it for you. Shall I open it for you, Raya? Raya, this is something for you. Wait. Raya, say hello. Hello, Mama. I am coming, Mama. Call Dada. कल दे रहे कॉल इज नंबर। अभी इसमें सेल नहीं है तो ये बज नहीं रहा, आई थिंक ऑन एंड ऑफ का बटन किधर है। ऐ वेट बच्चा, नो इट्स नॉट वर्किंग राया, इसमें सेल डालना होगा हमको और फिर हम लगाएंगे कॉलिंग। हेलो दादा, हाउ आर यू दादा, वे आर यू दादा, कॉल मम्मी। हेलो मम्मी, वे आर यू मम्मी। राया को समझ ही नहीं आया कि क्या गिफ्ट है उसका। Let's see how she reacts.